अलग अलग प्रकार के कैमरे के नाम क्या है, तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं और देखते हैं अब तक आपने क्या सीखा और क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इस कैमरे की पिक देखनी है और आपको नाम बताना है कि क्या नाम है इन सारे कैमरास का। बताइए इस कैमरे का नाम बोलते जाइए, मैं जैसे से स्लाइड चेंज करूं तो आपको नाम बोलना है। यस, ये डोम कैमरा है। इसका क्या नाम है? डोम कैमरा। सभी लोग बोलेंगे ओरली, स्पीक लाउडली। नाम आईआर बुलेट कैमरा। इस प्रकार के जो कैमरास होते हैं उसको आईआर बुलेट कैमरा बोलते हैं, इंफ्रारेड बुलेट कैमरा। उसके बाद है ये नेक्स्ट स्लाइड, डोम कैमरा। दिस वन आईआर डोम कैमरा। ये वाला आईआर डोम कैमरा। दिस वन कोई भी कैमरे के सेंटर में जो होता है ना, बीच में वो लेंस होता है, कैमरे के सेंटर में लेंस होता है। और इस कैमरे के देखिए साइड में यहाँ जो राउंड में आप देख रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल, ये है एलईडी, छोटा छोटा जो है वो एलईडी है। एलईडी रात में अंधेरे में ऑन होता है और एलईडी ऑन होने के कारण आपका ये कैमरा नाइट में भी क्लियर देख सकता है। वैसे तो नाइट विजन में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको मिलती है, आप जब चेक करेंगे ना फुटेज तो नाइट विजन में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको मिलती है। बट अभी मार्केट में कुछ और भी एडवांस कैमरास आ चुके हैं डार्क फाइटर सीरीज में कि नाइट में भी आपको एकदम क्लियर कलर इमेज मिले, वैसा भी टेक्नोलॉजी आ चुका है। ऐसे टेक्नोलॉजी को डार्क फाइटर सीरीज बोलते हैं, डार्क फाइटर ट्रू कलर भी बोलते हैं, डार्क फाइटर भी बोलते हैं, यानी कि रात के अंधेरे में भी वो कैमरा कलर इमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने आईआर के बारे में बताया। उसके बाद है नेक्स्ट इंफ्रारेड डोम, नेक्स्ट आईआर डोम, नेक्स्ट आईआर डोम। दिस इज अ कवर्ड आईआर डोम कैमरा। इस प्रकार के कैमरे को कवर्ड आईआर डोम कैमरा बोलते हैं, पूरा टेम्पर प्रूफ है। इस कैमरे को आप चेंज लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे चेंज करना है तो पूरा उसका मोल्ड अपर साइड का जो मॉड्यूल है वो बाहर निकाल के चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के कैमरे को नॉर्मली हम लोग इस तरह से घुमाकर भी लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, मतलब एंगल चेंज इसमें बिना खोले पॉसिबल नहीं है। इसको बिना खोले इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट राइट अप एंड डाउन है ना, ये देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से एंगल आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। अगर लॉक फीचर है तो एलन की से ये लॉक हो जाएगा और फिर एलन की से इसको थोड़ा सा इसको लूज करके भी आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं, बस इसके लिए मोल्ड पूरा निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है इंफ्रारेड डोम, इंफ्रारेड बुलेट कैमरा, आईआर बुलेट, आईआर बुलेट, नाम बोलते जाइए आईआर बुलेट, दिस वन आईआर बुलेट, आईआर बुलेट, दिस वन आईआर बुलेट, दिस वन आईआर बुलेट, दिस वन दिस वन दिस वन ऐसे कैमरे को हम लोग एरे बोलेंगे, ए डबल आर ए वाई, एरे बुलेट कैमरा। ये देखिए इस प्रकार के कैमरे में ये इस तरह का एरे बबल लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एरे, ए डबल आर ए वाई, एरे, एरे बुलेट कैमरा। अगर बुलेट में एरे है तो उसको क्या बोलेंगे, एरे बुलेट। डोम में है तो क्या बोलेंगे, एरे डोम। नेक्स्ट वन इज बॉक्स, नेक्स्ट दिस वन आईआर, यस दिस वन इज अ आईआर फिटजेट कैमरा। ये कौन सा कैमरा है, आईआर फिटजेट कैमरा। ये वाला फिटजेट कैमरा, दिस वन आईआर डोम, दिस वन बॉक्स कैमरा, दिस वन आईआर डोम, दिस वन ओके। ये कौन सा है, ये इस कैमरे का क्या नाम है, एक्सिस बुलेट कैमरा। तो नाइट विजन में अभी तक आपने जाना कि तीन अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी कैमरों में आ चुकी है। सबसे पहले आया आईआर और उसके बाद में आया एक्सिस आईआर एरे और उसके बाद में आया लास्ट में एक्सिस। आप यहाँ पर तीनों तरह की टेक्नोलॉजी के कैमरे देख सकते हैं, जिसमें भी छोटी छोटी आई आर एलईडी होती है उस कैमरे को हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड आई आर। रात के अंधेरे में आपने देखा होगा हल्की सी लाल रंग की रोशनी टाइप ऐसा दिखता है ना आपको, वो आई आर होता है, इंफ्रारेड होती है कैमरे की, ठीक है, रेड कलर के इल्यूमिनेशन में ऑन होता है। फिर उसके बाद ये एरे में है, सेम आपको एरे में भी दिखेगा वो रेड कलर का इल्यूमिनेशन, और एक्सिस में भी हल्का सा इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देगा। इसमें पूरा कोटिंग किया हुआ है, कवर किया गया है, एरे को बैक साइड पे कवर कर लिया है।
तो नाइट विजन के लिए तीन प्रकार के सर्किट वाले कैमरे आते हैं, आईआर, एरे और एक्सिस। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये डोम या फिर बुलेट कैमरा या बॉक्स कैमरा या फिश आई कैमरा, इसमें आपको एरे भी मिल जाएगा, एक्सिस भी मिल जाएगा और आईआर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आईआर को बुलेट में फिट कर ले तो क्या बन जाएगा वो, यस, और एरे में फिट कर ले तो एरे, और एरे को अगर यहाँ पीटीजेड में फिट कर दे तो उसको क्या कहेंगे, वेरी गुड। अब कैमरे के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं और कैसे वो पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन से आपका कैमरा काम करता है वो मैं बताऊंगा। एक कैमरे को अगर आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इस तरह का मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा कैमरे में, इस तरह का ये मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मदरबोर्ड के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या है और वो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से कैसे काम करते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए, ये एक सर्किट है और इस सर्किट के ऊपर क्या फिट किया हुआ है, इमेज सेंसर। दिस इज अ इमेज सेंसर, ये इमेज सेंसर है और इसके ऊपर फिट है ये लेंस। ठीक है, अब मैं ओरिजिनल मॉड्यूल आपको दिखा रहा हूं कैमरे का। वेट, ये विनोद बॉक्स उतारिए पीसीबी वाला, ये विजन पीसीबी, ये देखो बैठ। मैं कुछ पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट्स कितने तरह के होते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कैमरे के पार्ट्स हैं। बताइए ये पार्ट का क्या नाम है, आईआर एलईडी का ये सर्किट है। ठीक है, और ये वाले पार्ट का क्या नाम है, ये पूरा क्या है, कैमरे का पीसीबी है यानी मदरबोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड। इसको अगर आप खोलेंगे, अलग कर देंगे, इसको आप अलग कर देंगे तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए, मैं इस लेंस को ओपन कर रहा हूँ, इस लेंस को मैं खोल रहा हूँ, पूरा ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये आपका लेंस यहाँ से अलग हो गया। इस तरह से स्क्रू लूज करें और इस लेंस को यहाँ से अलग करें। ये देखिए, ये क्या है, लेंस, ये लेंस है कैमरे का और इसके नीचे क्या है, इमेज सेंसर है। और ये जो पूरा ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, इसका मदरबोर्ड है, सर्किट है। तो तीन पार्ट्स आपके कैमरे के इस पूरे मॉड्यूल में है, पहला लेंस, दूसरा इमेज सेंसर और तीसरा मदरबोर्ड। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पर एक पिन लगाई हुई रहती है, यहाँ से आपका केबल कनेक्ट होता है, ये वाला केबल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीएमसी कनेक्टर है और एक डीसी कनेक्टर है, इसके थ्रू ये कैमरा हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। यहाँ से कैमरे को पावर जाएगा, इस मदरबोर्ड को पावर जाएगा और उसके बाद ये ऑन होगा और ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा और ये बीएमसी कनेक्टर के थ्रू डिस्प्ले पर वीडियो लाके आपको दिखाएगा। अब जो वीडियो बनता है प्लेट पर, किस तरह से इमेज तैयार होता है, कैसे वीडियो प्रोडक्शन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक ये सारे पार्ट आप एक बार एक्सचेंज करके देख लीजिए, सभी लोग ये पार्ट देख लीजिए एक बार एक्सचेंज करके, ये सारे पार्ट्स आप एक्सचेंज करके देखें, सभी को दीजिए पार्ट्स। सर, ये जो वायर है ये पावर सप्लाई है ना? हाँ जी, यहाँ पर देखिए पार्टीशन है, ये वाला जो तीन केबल है ना जी, इसमें येलो, रेड और ब्लैक ऐसी तीन वायर है, ये गई है कैमरे के मदरबोर्ड को। ठीक है, अब इसका जो बाइफरकेशन है वो कैसा है, येल्लो वीडियो के लिए है और रेड पावर के लिए है, और जो ब्लैक वाली वायर है वो दोनों के लिए कॉमन है, वीडियो का माइनस और डीसी का माइनस दोनों को कॉमन करेगा। और ये जो दो वायर गई है यहाँ से, ये अलग से गई है इस आईआर सर्किट को पावर देने के लिए। ठीक है, तो ये इसके मदरबोर्ड पे किस तरह से केबल लगी है वो आपने समझा, ये आईआर है, इंफ्रारेड एलईडी है, ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसको बोलते हैं, ये सेंसर होता है, ये इनको सबको कंट्रोल करता है आईआर एलईडीज को। ठीक है, एक्सिर या एरे या आईआर एलईडी, इन सबको ये एलडीआर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है कि अभी अंधेरा है या उजाला है, कितनी रोशनी आ रही है, इस पर कितना लाइट आ रहा है, ये सेंस करेगा। और जब बहुत ज्यादा लाइट कम हो जाएगा यानी अंधेरा हो जाएगा तो ये पूरा सर्किट आपका ऑन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एलडीआर क्या करेगा, लाइट को सेंस करेगा। ठीक है, लाइट सेंसर भी बोल सकते हैं, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, ये कैमरे का लेंस है, बॉक्स कैमरे का, ये रिप्लेसेबल होता है, ये खुल जाएगा और आप नया कोई भी लेंस इसमें लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो लेंस होता है वो रिप्लेसेबल होता है।
और आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी रेंज और एंगल की आपको जरूरत है उसके हिसाब से ये लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। खोलिए इसको, लेंस को ऐसे घुमाइए, बोतल के ढक्कन खोलते हैं वैसे खोलिए, खुल जाएगा। अलग अलग साइज के लेंस की अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग एंगल होती है। तो वो क्या है अभी हम आपको बताएंगे सारा। ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट का नाम बताइए। करेक्ट सर, ये स्पाई कैमरा हमें, ये स्पाई कैमरा है, क्लॉक है। हाँ वही, ये स्पाई कैमरा है, क्लॉक है, ये चार्जिंग वाले, ये वर्किंग है, ये भी स्पाई कैमरा है, ये बटन स्पाई कैमरा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रखिए यहाँ पे, बताइए। नोट कर लीजिए इसके बारे में, बढ़िया है LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, अभी मैं इन सारे पार्ट्स की आपको कोऑर्डिनेशन बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से ये सारे पार्ट्स काम करते हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो है वो क्या है, एक आईआर सर्किट है या फिर एरे सर्किट या फिर एक्सिस सर्किट, ये तीनों नाइट विजन के लिए है, ठीक है। जो इंफ्रारेड सर्किट अभी आपने देखा वो क्या था, नाइट विजन के लिए था। बताइए ये देखिए, ये हमारे पास है, यहाँ पर पार्ट आयार है, ये आयार है, इसके अंदर दो सेक्शन है, इसके अंदर कितना है, दो सेक्शन है, एक एलडीआर का और दूसरा आईआर। अब इसको आप देखेंगे ना इस तरीके से, तो इसमें आपको एक एलडीआर दिखेगा, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और ये जो छोटी छोटी आई आर एलईडीज है इनको सारा ये एलडीआर कंट्रोल कर रहा है, इसके सामने कितना लाइट आ रहा है ये लक्स के फॉर्म में काउंट कर रहा है। द लक्स इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लाइट, जैसे जैसे लक्स रेट डाउन होते जाता है वैसे वैसे इंफ्रारेड का ग्लो बढ़ता जाता है, ठीक है। एरे है तो भी वैसा ही फॉर्म में काम करेगा, एक्सिस है तो वैसा ही काम करेगा, इन शॉर्ट जो एलडीआर है वो क्या करेगा, पूरा एलईडी को कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको पीसीबी का यू बता रहा हूं किस तरीके से इस पर इमेज बनती है, इमेज कैसे बनती है इस प्लेट पर, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। देखिए यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा है पीसीबी, इस पर लगा हुआ है इमेज सेंसर, इसके ऊपर लगा हुआ है ये लेंस, ठीक है। तो जो भी इमेज आपकी तैयार हो रही है ना, फोटो इमेज जो तैयार हो रही है वो यहाँ पर इस प्लेट पे हो रही है, इसको इमेज सेंसर बोलते हैं, इमेज सेंसर की प्लेट पर इमेज तैयार होता है। देखिए कुछ इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन होगा, सबसे पहला हमारे पास है ये लेंस, सेंटर की जो फोकल होती है ना उसको एपरेचर बोलते हैं, ठीक है। यहां से लाइट आपका एंटर होगा, हम जो भी आंखों से देख पाते हैं उसका विजिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, लाइट ऑफ कर देंगे आप कुछ नहीं देख पाएंगे, बट आप लाइट ऑन के कंडीशन में कुछ देख पाते हैं। विजिबिलिटी का प्रिंसिपल ये है कि जो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी देख पाते हैं सबसे पहले लाइट का वहां पर लाइट हिट होकर रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पर आता है और आपका ब्रेन उस इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी का प्रिंसिपल है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर अगर आएगी नहीं तो फिर आपके आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर वो पहुंचेगा नहीं और आपको कुछ भी दिखाई देगा नहीं। तो लाइट के फॉर्म में ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आते हैं और यहाँ से एपरेचर से वो शावर के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ से लाइट आई, ठीक है, लाइट के सामने जो कुछ भी है व्हाट सो एवर यहाँ से फिर वो एंटर करा के उसको स्प्रेड कर देगा, इस तरीके से स्प्रेड कर देगा इसको, गॉट इट। ये स्प्रेड होती है और ये प्लेट के ऊपर हिट होता है सारा, ये प्लेट के ऊपर लाइट हिट होती है और यहाँ पर वो इमेज बनाना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके सामने बी है तो बी के फॉर्म में वो पिक्सल्स बनाएगा इस तरीके से, टीवीएल है तो टेलीविजन लाइटिंग्स के फॉर्म में इमेज को प्रोड्यूस करेगा और पिक्सल्स है तो उतने पिक्सल्स के फॉर्म में वो इमेज बनाएगा जी। और फिर ये पीसीबी जो होती है मेन जो मदरबोर्ड होता है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वहां पर माइक्रो कंट्रोलर्स लगे रहते हैं, आईसी लगे रहते हैं जो फाइनली एक इमेज को कैसे बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करके प्रोड्यूस करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
फिर हमारा यहाँ से केबल लगाया हुआ रहता है बीएनसी कनेक्टर, ठीक है, बीएनसी से फिर आउटपुट होता है डिस्प्ले पर या डीवीआर लगाते हैं तो डीवीआर पर, और आउटपुट होकर फिर वो आप इनपुट पे लगाते हैं और वहां से फिर आउटपुट की केबल डिस्प्ले पे आती है और वीडियो आपको आउटपुट होकर डिस्प्ले पे दिखता है। ये इसका मैकेनिज्म है। इस तरीके से एक इमेज तैयार होती है, मैंने आपको बताया। अब जो लेंस है ना, लेंस जो होते हैं ना वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। आप कोई भी कैमरे के बॉक्स पर अगर चेक करेंगे तो लेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन होती है कि लेंस क्या साइज का है। अभी यहाँ पर आप पढ़िए लेंस का क्या साइज यहाँ पर शो कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, 3.6 mm, ठीक है। यदि 3.6 mm लेंस वाला कैमरा आप यूज करते हैं तो उसकी जो रेंज होगी अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 20 मीटर होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 20 मीटर होगा उसका आईआर रेंज, मतलब 15 से 20 मीटर तक की उसकी रेंज होगी। ब्रांड टू ब्रांड 2-5 मीटर का वेरिएशन आता है। 15 से 20 मीटर तक के लिए एरिया के लिए आप ये 3.6 mm का कैमरा लगा सकते हैं और उसमें आपको बुलेट भी मिल जाएगा, डोम भी मिल जाएगा। उसका जो एंगल होगा 85 से 90 डिग्री तक का एंगल होता है। अगर आप एक आंख बंद करेंगे तो आपको कितना दिखेगा, 90 डिग्री का एंगल कवर होगा, 90 डिग्री। तो 3.6 mm के जो लेंस वाले कैमरे होते हैं उसमें आपको 90 डिग्री का अप्रोक्स एंगल मिलता है और मैक्सिमम 20 मीटर तक की उसकी रेंज कवर करेगा कैमरा। अब रेंज का मतलब क्या होता है, कैमरा जहां तक भी क्लियर देख पाता है उसी को रेंज बोलते हैं। और कैमरा बहुत दूर तक भी, आप तो वैसे आंखों से चांद भी देख पा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों की रेंज उतनी दूर तक है, ठीक है। वैसा होता तो फिर टेलीस्कोप या दूरबीन हम लोग क्यों यूज करते हैं, वैसा नहीं है ना। तो कैमरा जहां तक क्लियर, साफ क्लियर देख सकता है वहां तक कैमरे की रेंज होती है। तो ये अधिकतम मैक्सिमम जो है कैमरा आपका 20 मीटर तक ही क्लियर देख सकता है। वैसे 6 mm का कैमरा आता है उसकी रेंज और एंगल अलग होती है, 12 mm के रेंज कैमरे की रेंज एंगल अलग होता है, 2.8 mm के कैमरे की जो रेंज है वो एंगल है वो अलग होती है। हर एक अलग अलग साइज के कैमरे के लेंस की अलग अलग रेंज और एंगल होती है। मैं आपको पूरा लिस्ट और चार्ट और उसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। लिफ्ट में लगाना है आपको कैमरा तो 3.6 mm के बजाय आप 2.8 mm का लगाएंगे, उसमें ज्यादा बेहतर कवर मिलेगी। 1.54 mm का लगाएंगे तो उससे और बेहतरीन कवरेज मिलेगी। कवरेज मेन कवरेज होता है कि कैमरा कितना दूर तक देखेगा, क्लियर इमेज लेगा और कितना एंगल कवर करेगा। द रेंज एंड एंगल इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट्स लेंस साइज एंड द लेंस साइज मेंशन ऑन द बॉक्स, कैमरे के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और जो मेगापिक्सल हम लोग बोलते हैं कि कैमरा कितना मेगापिक्सल है, 1, 2, 3, 4, 5 मेगापिक्सल रिप्रेजेंट करता है उसकी क्लैरिटी को, कैमरे की क्लैरिटी कितनी होगी, ठीक है। तो मेगापिक्सल एक अलग चीज हो गया और लेंस का साइज एक अलग चीज हो गया। लेंस का साइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रेंज और एंगल के लिए। आई बात समझ में, ओके। तो यहाँ पर ये आपका लेंस था, लेंस से वो रेज कलेक्ट करेगा और फिर यहाँ से प्लेट पर वो कवर करेगा अलग अलग लाइट्स को और यहाँ पर फिर इमेज बनेगी। फिर ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आपके जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, आईसीज होते हैं, यहाँ से फिर वो प्रोड्यूस करेगा कंपोनेंट्स के थ्रू एक बेस्ट इमेज को तैयार करके फिर पीएलसी के थ्रू आउटपुट कर देगा। ये सारे अलग अलग कैमरे थे, ये बुलेट एरे बुलेट, ये कौन सा है आईआर बुलेट, ये आईआर बुलेट पीटीजेड कैमरा, फिर ये है आईआर बुलेट, ये आईआर पीटीजेड कैमरा, ये है स्मार्ट आईआर डोम कैमरा, फिर एक्सिर बुलेट आईआर डोम, फिश आई कैमरा इन एरे वर्जन, देन दिस इज आईआर डोम, दिस इज अ पेंटिल रोबोटिक कैमरा। फिर आपने ये समझा किस तरीके से एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरे के बीच में आइडेंटिफाई करना है। बताइए ये एनालॉग है क्या आईपी है, ये एनालॉग है या आईपी है, ये एनालॉग है या आईपी है, कैसे पता चलेगा, यस उसके कनेक्टर को देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे। गॉट इट, नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन।